तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेफनी मैकमैन ने क्या कहा ड्वेन जॉनसन रॉक के रिटर्न के बारे में, और एक बड़ा मैच जिसको एडवर्टाइज किया जा रहा है फिलाडेल्फिया में। तो फिलाडेल्फिया वही है जगह पे है जहाँ पे इलिमिनेशन चैम्बर 2020 इस साल का होगा, और क्या फिर से पेस चाहती है वो जनरल मैनेजर बन जाए WWE SmackDown की। तो सारी कुछ बात कहेंगे स्टूडियो में डिटेल में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट अपडेट की बात करें तो वो जरूरी है पेस से। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है कि अभी से कुछ साल पहले पेस WWE के स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर हुआ करती थी, लेकिन अभी तो उनके जनरल मैनेजर के रोल से हट गया है, अभी तो WWE का अथॉरिटी कंट्रोल करती है। तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली पेज ने एक ट्विटर पे एक ट्वीट किया, जैसा कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं उस पर लिखा हुआ है FRFR... आई नीड टू बी GM अगेन, आई वॉज वेरी गुड जस्ट सेइंग। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि मतलब वो अपने लाइफ में पूरे फ्री हो चुके हैं और वो चाहती हैं कि जो जनरल मैनेजर रोल है उनको फिर से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, देखिए WWE के क्या प्लान है कि इनको फिर से जनरल मैनेजर के लाइन में WWE लाती है कि नहीं। मुझे जहाँ तक चांस लगता है कि इनका रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। अब तो जनरल मैनेजर का इनका रोल ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो जरूरी है स्टेफनी मैकमैन एंड द रॉक से। तो फ्रेंड्स, जो अभी रिसेंटली जो रेसलमैनिया 37 का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उनसे पूछा गया कि क्या रेसलमैनिया 37 में हमें रॉक का अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो उस पर स्टेफनी मैकमैन ये बोलती हैं कि वो हमेशा WWE के चर्चे में रहता है कि उनका रिटर्न करवाया जाए कि WWE में, लेकिन वो इतने ना हॉलीवुड करियर में बिजी है कि उनका रिटर्न कराना मतलब इम्पॉसिबल टाइप से ही हो जाता है। और उन्होंने ये तो बोल दिया कि उनके भाई अगर उनको मतलब मनाने की कोशिश करेंगे एक मैच के लिए, तो मे भी हमें रॉक का अपीयरेंस देखने को मिल सकता है WrestleMania 37 में। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि रॉक वर्सेज रोमन रेंज का मैच हमें देखने को मिल सकता है WrestleMania 37 में, और उस पर मैंने एक ड्रीम मैच कार्ड की वीडियो भी बनाई है फ्रेंड्स, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स नेक्स्ट और लास्ट अपडेट की बात करें तो वो जो एलिमिनेशन चैम्बर के मैच से। तो फ्रेंड्स, जो इस साल का एलिमिनेशन चैम्बर होगा वो फिलाडेल्फिया में होगा, और ये हमें 8 मार्च को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे ये मैच को एडवर्टाइज किया जा रहा है द न्यू डे वर्सेस जॉन मर्चेंट एंड द मीज के बीच पे फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप। तो फ्रेंड्स, जो सुपर शोडाउन में मैच होगा वही मैच रीमैच को एडवर्टाइज किया जा रहा है, तो मे बी ये मैच हमें एलिमिनेशन चैम्बर में देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, आपको क्या कहना है, ये मैच हमें देखने को मिलेगा या नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रो रेसलिंग से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले अपने चैनल पे देते हैं। तो फाइनली बाय फ्रेंड्स।